अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है फ़हीमुल्लाह साहिल, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल साहिल ट्रिक्स। जैसा कि आपको पता है कि कौंसलेट की जो टीमें हैं मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रही, लेकिन फ़ाइनली पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि उनके जो भी मुश्किलात हैं, चाहे कामा से मुतालिक हो, चाहे कुछ भी उनके मसाइल हो, चाहे शनाख्ती कार्ड, कुछ भी उनके मसाइल हो, तो वो जो है उन टीमों से रब्ता कर सकती है। और यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर दूँ कि पाकिस्तान कौंसलेट की जो टीमें हैं वो जो है जुम्मा और हफ्ते को जो दौरा कर रही है, 10 और 11 अगस्त को मदीना मुनव्वरा का दौरा कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ वो नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, आप नंबर भी ले सकते हैं, उनसे रابطہ कर सकते हैं। अगर आप जा नहीं सकते तो आप कम से कम रابطہ तो कर सकते हैं, और अगर आप जा सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको दफ्तर की टाइमिंग भी बता देता हूँ और कहाँ पे वो दफ्तर कायम करेंगे। पाकिस्तान हाउस मदीना मुनव्वरा में वो अपना जो दफ्तर है वो कायम करेंगे। और यहाँ पे आपके जो भी मसले मसाइल हैं वहाँ पे आप अगर डायरेक्टली नहीं जा सकते तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। बहुत से लोग फिर कहते हैं कि यार हम जा नहीं सकते, तो आप बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको नंबर भी बता रहा हूँ, तो नंबर आप लिख सकते हैं 01482 50782। यहाँ पे आप नंबर अपने पास लिख लें, 01482 50782। यहाँ पे उनसे आप रब्ता कर सके। टाइमिंग जो है वो मैं आपको बता दूँ, जुम्मे को जो है सुबह 8:30 से लेकर 11:30 तक, और यहाँ पे सिर्फ बाद में 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यहाँ पे वो जो खदमात है वो सर अंजाम देंगे। और यहाँ पे अगर बात कर ले हफ्ते के दिन को, यहाँ पे 8:30 से लेकर 11 बजे तक वो खदमात सर अंजाम देंगे। तो यहाँ पे आप जा भी सकते हैं, और अगर आप जा नहीं सकते तो आप कम से कम कॉल तो कर ही सकते हैं उनको। आपने जो भी मुश्किल है, आप जो भी मसाइल है, आप उनसे शेयर कर सकते हैं, और उनसे आप जो गाइडेंस है वो ले सकते हैं। तो आई होप गाइज, क्या जो टीमें आ रही है मदीना मुनव्वरा, कुछ ना कुछ तो आपके जो मसाइल है वो हल ही हो जाएंगे, और यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। होप कि आपके कुछ ना कुछ मसाइल हल हो ही जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।